जब भी आप डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट, ये वाली प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में सारी प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको ये वाली एरर अभी बता रहा है, आप देख सकते हैं अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट, आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यू कैन एक्सेस यूअर अकाउंट यूजिंग क्रेडेंटियल्स। अगर ये प्रॉब्लम एरर आपके साथ आ रही है तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर ये एरर आती क्यों है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन और इसका जो है सॉल्यूशन बताया जाएगा। और अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट यानी कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बनाया गया है, बन चुका है, यानी कि आपने जो आधार नंबर दिया था, अकाउंट का मतलब है आधार नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे डिजी लॉकर के ऊपर किसी भी मोबाइल नंबर से अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन एक ही आधार कार्ड आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो अगर अपने आधार नंबर दी थी वो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है किसी अदर नंबर के साथ डिजी लॉकर में, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, साइन इन पर क्लिक करना है। तो साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आएगा, साइन इन इनटू योर अकाउंट, यहाँ पे मोबाइल, यूज़र नेम और आधार। अभी मोबाइल और यूज़र नेम अगर आपके पास नहीं है, पता नहीं, याद नहीं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आधार के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आधार नंबर आपको डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके आधार के ऊपर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक वेरीफिकेशन कोड OTP जाएगा और आप डायरेक्टली अपने अकाउंट को यहाँ से लॉग इन कर पाएंगे विदाउट एनी प्रोसेस। यहाँ पर आपको पासवर्ड पिन बाद में आप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।